गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं हूँ घिरतुली गांव में। आज मेरा मन था पी जी से, और एक्स आर्मी वाले हैं, बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, बहुत चीज़ें पूछते हैं, आदमी को खगोलते हैं। तो मैंने सोचा कि आज उनके पास जाऊंगा और तमाम घिरतुली की जानकारी लूँगा। और आज इस ब्लॉग में आप बने रहें, लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर ज़रूर। 78 साल उम्र है मेरी। मैंने यही देखा है, इस गांव में कोई भी काम हम करें तो हम दुखी से जिए हैं। यहाँ आज तक हम खुशी से कभी नहीं जिए हैं। सर्वप्रथम हम कितने दुखी हैं इस गांव में हमें पता है। ये कैनाल विभाग हमको गुमराह करती है, बहुत दूर से पानी आता है और हमको समय में पानी नहीं मिलता है। हमने कितने दफ़ा कितने नेताओं से बोल दिया हमारे पंप सेट के लिए, और कोई भी हमारा पंप सेट यूज नहीं करता। चीज़ का पलड़ा भारी हुआ, वो उधर ही को चाहता है, कहीं कबलडूम को चले जाता है, कहीं और दूसरी जगह को चले जाता है। तो हमको टाइम पर अपना खेती बाड़ी करने का मौका नहीं मिलता। हम रोते रोते और तरसते इस गाँव में जीते हैं। हम समय पर सब नेता लोग आते हैं, वोट के समय सब लोग आते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे आते हैं। 78 साल उम्र के अनुसार अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, चीज़ की तरफ से। अब हम इसके आगे क्या कहें आपसे, आदमी हूँ, कैसे हम मेहनत करते हैं, कैसे चीज़ उगाते हैं, उसकी भी फोटो दे दो। और क्योंकि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत होने के बावजूद सिंचाई विभाग का पानी यहाँ पहुँचता नहीं है। और देखा आपने कि काफ़ी लोगों में थोड़ी बहुत दुखी थे, वो चाहते हैं कि यहाँ पानी आए। और दूसरा, पानी अगर नहीं भी आता तो सिंचाई विभाग ने अनुशी देनी चाहिए। सिंचाई विभाग ने अभी तक इनको पंप वालों को अनुशीन दे रखी है, उस पंप अभी तक स्वीकृत नहीं हो पाया, वो अनुशी का ही मामला फंसा हुआ है। ये है हमारी घिरतुली की बाखली, और ताऊ जी हैं, भाई साहब भी हैं, और तमाम समस्याएं इन्होंने इस ब्लॉग में रखी। और मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को, देश प्रदेश वासियों को, अपने व्यूअर्स जितने हैं सब लोगों को इस परेशानियों से अवगत कराऊंगा, और यहाँ की जो मूलभूत दिक्कतें हैं उनको भी आप तक साझा करूंगा। ये यहाँ के किसान हैं जिनके द्वारा देखिए बहुत बड़ी बड़ी गोभी की फसल यहाँ पर तैयार की गई है। और पानी नहीं होने के बावजूद भी, सिंचाई कि नहरों में पानी नहीं होने के बावजूद भी, इन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर गोभी पैदा की है। और ये लहसुन भी लगा रखा है, गोभी लगा रखा है, और मटर भी इन्होंने लगा रखा है, तमाम चीज़ें। ये है गोभी की फसल, इन्होंने इस तरीके से तैयार की है मदनगिरी जी। पानी के बावजूद भी इन्होंने पहाड़ में, जिस तरीके से पहाड़ खड़ा रहता है उसी तरीके से खेती को खड़ा किया, उसी तरीके से सब्जी को खड़ा किया। आज देख सकते हैं ये बड़े बड़े पौंद गोभी के, आपको इस ब्लॉग गोभी इनके हो रखी है। बस इनका दुख यही है कि पानी नहीं है। पानी कई बार सिंचाई विभाग को भी बोल दिया है, उन्होंने भी अनुशी नहीं दी। उस संदर्भ में भी हम बात करेंगे, और तमाम अपने जो भी लोग हैं उन लोगों से भी वार्ता करेंगे कि ऐसे किसानों को पानी नहीं, बहुत सुविधाओं की ज़रूरत है, तभी पहाड़ का किसान खड़ा हो पाएगा। और देखिए पानी नहीं होने के बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में इन्होंने यहाँ पर गोभी पैदा की है। और ये है गोभी, इतनी बड़ी बड़ी गोभियाँ यहाँ लगी हैं, आप देख सकते हैं। ये जो है जैविक खाद भी इनमें डाला गया है, कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया गया है, खाली बस जो हमारी गाय भैंसों से जो खाद होती है उस खाद को इसमें, ये ताऊ जी भी हमारे यहाँ पर हैं, और ये तमाम चीज़ें इन्होंने, ये गोभी के पौध हम आपको दिखाएंगे, ये तमाम देखिए बड़ा बड़ा, बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने घिरतुली गाँव में, ऐसे इतने बड़े बड़े किसान जिनके द्वारा, जिनको खेती का शौक़ है, जो किसानी करते हैं, और तमाम लोगों के लिए जो है सब्जी का भी, ये लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर उत्पादन किया। ये बजरिया है, ये तो वहाँ पर है जहाँ को तो घर कहे उन्हें नहीं हो। अब हर जानकारी कैसे मारा, जंगल पहन दो, जंगल से मारे है, फिर भी देखिए फोन में तुम्हें बात। ये
तमाम हमारी बाखली है पुरानी। ये घर मैं आपको बार बार जो है पहाड़ के पत्थर नुमा घरों को इसलिए दिखाता हूँ कि हम पहाड़ में इस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। ये घर लेंटर जो हमारे घर हैं उससे बहुत बेहतरीन है, और इसमें जो हमारे बुजुर्ग जो ये रहते हैं, अम्मा रहती है, ताऊजी रहते हैं, तो इनको जाड़ों के दिनों में इसमें बहुत आराम मिलता है और ये बहुत अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, सब के लिए बहुत अच्छे रहते हैं घर। लेंटर वाले घरों में जाड़ों के दिनों में बहुत दिक्कतें होती है, उससे जो है आदमी सिकुड़ जाता है। तो ये घर हमारे बहुत अच्छे घर हैं, इसलिए मैं पहाड़ के इन पत्थर वालों घरों को आपको हर ब्लॉग में जहाँ पर मुझे मौका मिलता है तो वो दिखाने का प्रयास करता हूँ। अच्छी पहचानी को नमस्कार तो कौमी नमस्कार कुणीन हो ठीक है रीन मी तू ठीक हट जाए सब ठीक है रीन और बता तू हम बहुत गरीब हमारे सरकार नौकरी मिल रहा हमको राशन सबको फ्री मिला हमको गरीबी रेखा कहाँ जो बीच में बीच नहीं मिलन चला अच्छा घिड़तोली में हम हैं, बाकली में तमाम समस्या है, लाइट सहित समस्या, वो लाइट का पोल ढहने वाला है। अभी मैंने एसडीओ साहब से भी बात करी है और माननीय जो है जिला अध्यक्ष शिव सिंह जी से भी बात करी, वो तुरंत हो जाएगा घर है, होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और गांव वालों का कहना है कि ये बहुत संकट में है, कई लोगों से बात कर दी लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए होना चाहिए। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको खबर दे रहा हूँ और आप लोग इसको गहराई से लें, क्योंकि ये पूरा गांव जो है इसमें फिर लाइट कट हो जाएगी अगर ये पोल गिर जाएगा तो। और ये अभी मैं हूँ इस बाखली में, बाखली का पूरा नज़ारा आपको दिखाऊंगा अभी मैंने लिया है, और अनोशी भी नहीं दिया है, सबसे बड़ी बात यह, या तो अनोशी दे देते तो हम पंप लगा देते। मेरे पर्सन ने कहा आओ बोरा जी मैं छुट्टी आ रहा हूँ 3-4 तारीख को आप पहुँचो, फिर उसके बाद इसका शॉर्ट आउट करते हैं। ये तमाम बात हुई लेकिन गांव वाले नहीं आए तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ बताओ, मेरा कोई वो नहीं है, मैं कोई नेता नहीं हूँ, अभिनेता नहीं हूँ, मेरा अपना ये चैनल का काम है, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ब्लॉग के माध्यम से तमाम पहाड़ की जो समस्या है, पहाड़ का रहन सहन, पहाड़ का खान पान, और हम लोग कैसे जीवन यापन करते हैं पहाड़ में, हम लोग हमारे पूर्वज और हम लोग कैसे यहाँ हमने अपना जीवन व्यतीत किया, तमाम चीज़ों को मैं इस ब्लॉग के माध्यम से देश दुनिया को दिखाने का प्रयास करता हूँ। प्राकृतिक आपदा आ रही है, हाँ प्राकृतिक आपदा हो रही है, अचानक आ जा रही है, तो उसको अब शासन प्रशासन तो अलर्ट है नहीं, हमको ही चिल्लाना पड़ेगा, जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं तब तक कोई काम नहीं होगा। ठीक कह रहा है युवा साथी, धन्यवाद। है बता के बोलू बड़ेजा खान बोलू प्याज खाने से है फोन में किले नहीं कौन कौ खाईबा आई लो फोन है मम्मी बता ली, मम्मी क्यों बता तू बता, इसी करियो बाय बाय कर दे। देखो सुंदर पेड़ लगा रखा है, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर, ये तमाम चीजें, ये गौशाला हो गया, ये पेड़ देखो कितना शानदार, इन्होंने जो है ये है किसान भी हैं और इनको बहुत बड़ा शौक है, अभी नहीं हम बचपन में जब छोटे छोटे थे हैं, और ये गौशाला है और इस तरीके से हमारा अपना जीवन चलता है। ये हमारे से बकरी है और ये है हमारा घिड़तोली का नज़ारा आपको दिखाएंगे, यहाँ से घिड़तोली का भव्य दर्शन आप पर चमोली गांव है, प्रयास करते हैं कहाँ तक जाया जाता है। ये है हमारे परंपरागत घर, आपको घिड़तोली का सुंदर प्राकृतिक नैसर्गिक दृश्य इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे। आज मन था कि घिड़तोली गांव में जाऊंगा और वहां तमाम लोगों से बात करूंगा और वहां के बारे में जानकारी लूंगा, वहां खेती किस तरीके से आदमियों ने वहां पर सब्जी उत्पादन का काम किया, तमाम चीज़ें इन लोगों ने बड़े बड़े काम यहां पर किया, बुजुर्ग हैं सारे किसान लोग और अच्छे हैं, तमाम समस्याएँ भी इन्होंने रखी। और ये घर हैं हमारे पत्थरों वाले, ये ऐसे हमारा पहाड़ का रहन सहन है, जीवन यापन इस तरीके से हम लोग। व्यू मिलेगा आपको देवनाई घाटी का, बहुत सारे गांव आप इस ब्लॉग से छुएंगे और आपको देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से सुंदर घाटी। और ये गांव जो है घिड़तोली, ग्राम पंचायत घिड़तोली नौगांव, ये हरीश कांडपाल जी हैं, इनका घर ऊपर गांव है टॉप में चमोली गांव है, चमोली गांव में उन्होंने अपने खेतों में किया। तमाम मैंने इस ब्लॉग के माध्यम से आप तमाम लोगों को रूबरू करो। गोर भैंस कदू धरीन है, अच्छा अच्छा अच्छा, और सब ठीक है, नल ठंड खूब नल मिली हो ठंड ठीक है, आप लोग कहाँ बाबू अच्छा अच्छा बढ़ेजा
अच्छा, आप हो और ये शाम को वापसी अपने घर को जाते हुए ये देख सकते हैं आप ब्लॉग में, आपको मिलेगा ये गुआव कहते हैं, गुआव से जा रहे हैं घर को और ये तमाम हमारे क्षेत्र। हाँ, ये चमोली है, चमोली के रोड के लिए ये कई बल्द है, ये वहाँ से आ रहा ग्वाले से है चाहे, और कहीं पर पोल टूटा है तो कहीं पर पानी की दिक्कत है, तमाम समस्याएं और तमाम दिक्कतों से मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाने का प्रयास किया। किसानों की दिक्कतें हैं छोटी छोटी, और कुछ पानी की भी दिक्कत है कि कहीं से अनुसी नहीं मिल रहा तो कहीं नहर में पानी नहीं आ रहा, तो ये तमाम चीज़ों से मैंने आपको अवगत कराया और इस ब्लॉग में और टोटल घिणतुली के बारे में आपको जानकारी दी और घिणतुली के जो भी वहाँ पर सयाने बुजुर्ग थे उनसे आपको रूबरू कराया। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।